अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज है ना हमें जाना भी है, और कहाँ जाना है आज आगे चल के मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा खाना बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड तो जाते नहीं हैं, तो वो घर पे होते हैं, इसलिए उनके लिए खाना बना रही थी। तो आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ पहले, फिर मैंने कहा चलो चिकन निकालता हूँ, देखते हैं क्या पकाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ग्रीन चिकन बना लेती हूँ, तो मैं आज बना रही हूँ ग्रीन चिकन, और मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी ग्रीन चिकन, मैंने चिकन को सिर्फ है ना ऑयल डाल के और उसको देखें फिर से फ्राई कर लिए बहुत अच्छे से। और ये जो मसाला है ना, इसके अंदर मैंने डाला है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च और नमक है, और जीरा है। ये सारी चीज़ें इसमें मैं दिखाती हूँ, इसमें ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी। और एक है ना मैंने छोटी सी प्याज जो होती है ना वो भी डाली है, ताकि अच्छे से मसाला बने। मैं ग्रीन टिक्के बना रही हूँ, बट ये है कि मैं ग्रीन टिक्के जो होते हैं ना, ये जो पीसेस के होते हैं, वो बना रही हूँ। तो हमारे घर वर्क के लिए इतने, मैंने आपको वैसे भी बताया कि हम लोग चेस्ट नहीं खाते, हम लोग जो है वो हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए आपको इसमें जो है ना हड्डी वाला यानी बोन वाला ही गोश्त मिलेगा, अदरवाइज वो वाला नहीं होगा। जो चेस्ट के पीसेज होते हैं ना चिकन के, वो वाले नहीं होंगे, हम लोग हड्डी वाला खाते हैं। कुछ इस तरीके का बारीक से इसे पीस लिया मैंने, ठीक। अब मैं इसको निकाल के इसमें ऐड कर रही हूँ पूरा। बस हमने सिर्फ और सिर्फ दही का पानी इसके अंदर डाला है, यानी दही डाला है, दही का पानी नहीं, दही डाला है, यानी दही ने जो अपना पानी उसी में ही ग्लैंडर हुआ है दही में ये। अच्छा, ऑयल इसमें से मैं उतार लेती हूँ, ऑयल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये ढक्कन ढक के मैं इसे रख रही हूँ, और ऑयल ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने क्या करा, ऑयल को उतार लिया। ये देखिए इतना ऑयल ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उतार लिया इसे। ग्रीन चिकन जो है वो देखें बनाए पे आ रही है, और बस अब चूल्हा मैं करूँगी बंद। खाना यहाँ मेरा रेडी हो गया था, फिर मैंने हानी की टीचर है उनको बुलाया था संडे के दिन, इसलिए बुलाया था। हानी के पेपर हो रहे हैं, कल से स्टार्ट है, मंडे से फर्स्ट पेपर है, तो मैंने कहा हानी थोड़ी और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लें। यह हानी की टीचर पढ़ा के चली गई थी, और हानी बैला के साथ लगे, मैंने कहा हानी जल्दी करो बस अब चलता है। इसलिए रेडी हो गया, हानी जो है ना बैला के साथ लगी हुई। आज हम जा रहे हैं मिलाद में, मिलाद राउंड खानी में। चलो हम जाने के लिए रेडी हो गए, चलो जल्दी से आओ। हानी जो है ना बेला के साथ लगी हुई, और हम जाने के लिए रेडी हो गए। हानी का ओवरऑल दिखाओ, हानी दिखाइए। अच्छा, हम निकल गए थे जाने के लिए, दरअसल आज हमें जाना है मिलाक्रॉन खानी। मेरी जो नेबर है ना कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनकी बेटी की ना वेडिंग स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है 13 से, बट उन्होंने उससे पहले ना मिलाक्रॉन खानी रखी थी, तो आज हमें वहाँ जाना था 13 से, फिर उनके फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद अच्छा खाना खाना था, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गपशप करी बैठ के, फिर उसके बाद हस्बैंड का वेट करने लगी थी, क्योंकि 10:30 बज गए थे और सुबह हानी का स्कूल था, इसलिए मुझे जल्दी जाना था, पेपर भी था, थोड़ा सा रिवाइज भी करवाना था। अब यहाँ वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।